Makkad Indian. Nice to meet you. Nice to meet you. Makkad Indian. Oh, everybody. Nice to meet you. नेपाल में वेलकम है। नहीं, मैं तो उधर को जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं आप? कार्रवाई हो गई, क्या कर रहे हैं? चैनल का नाम शॉर्ट आउट कर दीजिए। सो यू आर लाइकिंग नेपाल, राइट? नॉट लाइकिंग। ओके, श्योर। भैया हुआ क्या, ये तो बताओ। जय भारत। ओके, बाय बाय। उंगली दिखा रहा है। सब नेपाल वाले लोग देखो भाई, कितना ज्यादा हो जाएगा, मत जाइए। करने खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई, राइड स्टार्ट करते हैं और अब इष्ट देवताओं को याद कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी हम लोग हैं नेपाल की सबसे रंगीन गलियों में। यहाँ की नाइट लाइफ भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस है। और अभी मैंने मैप नहीं लगाया भाई, बिना मैप के चले जा रहा हूँ। आज ना मैंने सामान बांधने से पहले भाई साहब पता नहीं मेरे को कैसे याद रह गया, मैंने भाई चैन क्लीन कर ली। और चैन ना आवाज नहीं कर रही, नहीं तो भाई साहब बहुत आवाज कर रही थी चैन। मनांग मुस्तांग मुक्तिनाथ भुजुंग घले गाँव। अकेला बारपाक लारपाक सुना आपने? बारपाक लारपाक भी गया था और भी काफी जगह गया। बहुत भयंकर, मनांग से भी खतरनाक रास्ता है लारपाक का। हाँ, जिंदा आ गया। उसी बात का वो है कि भाई साहब रास्ते इतने खराब थे ना भाई। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। नेपाल के ना पुलिस वाले अच्छे हैं भाई यार। बार बार ना मेरे साथ ना 3-4 बार हो गया, पुलिस वाले ना रोक के बस बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ गए, कहाँ घूमने गए, कैसा लग रहा है नेपाल। भाई साहब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। मतलब मेरे को ये तीसरा पुलिस वाला था भाई जो मिले, जिन्होंने मेरे को इस तरीके से पूछा। बहुत स्पेस है भैया, बहुत स्पेस था। किसकी गाड़ी में लग जाता? लगा नहीं ना भैया। अजीब आदमी है। कुछ नहीं जीता भैया, हुआ क्या ये तो बताओ। इतना स्पेस है इसमें। मैं भी एक्सपीरियंस की बात कर रहा था कि मेरा नेपाल में कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये बंदा उंगली दिखा रहा है। ये सर बंसार है, ये डीएल का वो है, और आपको आरसी दिखाना होगा ना। रेड लाइट पता था? हाँ जी, रेड लाइट पता था। रेड लाइट नहीं, रेड लाइट पता है लेकिन पीछे रेड लाइट थी नहीं सर। ये है ना, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना सर। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रेड लाइट है। कार्रवाई होगा, क्या कर? किस चीज़ का सर? रेड लाइट का सर, छोड़ दो, पता नहीं था मेरे को, सॉरी उसके लिए। चैनल है? हाँ जी। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देख के चलो, बच गए, नहीं हुआ चालान। सामने देखो एक ना मैप लगा हुआ है ग्रेटर नेपाल का, और इसमें देखो इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, शिमला, गंगोत्री, टेरी, मतलब उत्तराखंड का गढ़वाल पार्ट, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, असम, मेघालय, सब इन्होंने ग्रेटर नेपाल का पार्ट दिखाया हुआ है। जैसे अपन लोग अखंड भारत दिखाते हैं, उसमें नेपाल भी अखंड भारत का पार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें अखंड भारत में आ जाती हैं। कि हम लोग काठमांडू क्रॉस करके ना भक्तपुर आ चुके हैं, और भक्तपुर में आते ही देखो कैसे स्वागत हुआ है, क्या भयंकर आंधी चल रही है। काठमांडू तक की रोडें बढ़िया थी, काठमांडू से बाहर निकलते ही रोडों ने अपने औकात दिखा दी। अब रोडें बोल रही हैं कि भाई यू आर इन नेपाल मेरी जान। चलो कोई बात नहीं, हम तो नेपाल को ऐसे ही स्वीकार करके आए थे। काठमांडू तो लग्जरी था हमारे लिए रोडों के मामले में। जब हम लोग ना नेपाल के सेंटर में थे, काठमांडू नेपाल का सेंटर है, अब हम लोग जा रहे हैं ईस्ट की तरफ को। तो भाई जी हमने काठमांडू क्रॉस कर लिया, भगतपुर क्रॉस कर लिया, अब हम लोग आ गए बनेपा में। ये काठमांडू के बाद इनकी बड़ी सिटी है भाई। यहाँ से हमको कुछ सामान मिल जाएगा, राशन के लिए कुछ सामान ले लेते हैं भाई, क्योंकि भूख लग रही है, आगे कुछ बनाएंगे रोक के ना। यार उस दिन मैंने पोहा बनाया था, बड़ा क्रंची क्रंची सा ना, बड़ा अच्छा बना था पोहा।
और कॉफ़ी, मज़ा आ गया था। तो दोबारा ना कुछ ऐसी सामान ले लेते हैं। पेट्रोल है इधर भाई, जब नेपाल वाले लोग देखो भाई कितने बढ़िया हैं। अभी मैंने ना एक भाई साहब से बोला कि मैं पेट्रोल पंप आया था पेट्रोल लगवाने के लिए, मैंने उनको बोला कि भैया यहाँ पे पानी है क्या पीने का, तो वो गए भाई अंदर फटाक से दुकान से पानी लेके आ गए। तो मैंने कहा, मैंने देखा कि सील्ड पैक है, तो मैंने बोला कितने की है, मैं कहा 30 रुपये की होगी, कहते नहीं नहीं इसके पैसे थोड़े लेंगे। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं जो जर्नी को ना भाई साहब मेमोरेबल बना देते हैं। और अभी भाई एक सीन हुआ मेरे साथ में, बड़ा तगड़ा सीन हुआ। हुआ क्या कि ना मेरे को ना पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया, और वो बंदे ने फोटो लगा रखा SHO का, बोलता है मैं SHO बोल रहा हूँ, और बिल्कुल नॉर्मल हिंदी, जैसे पाकिस्तान वालों की तो कुछ अलग हिंदी होती है ना। अब मेरे को लगा, मैं कहा पाकिस्तान से क्यों फ़ोन आ रहा, फिर मेरे को लगा कि मैं ना कुछ दिन वो पाकिस्तान वाले भाई के साथ में रहा था, मैं तो इसको उठा तो नहीं लिया पुलिस वालों ने, और मुझे कॉल कर रहे हो कि भाई तू इस बंदे के साथ में क्यों था क्या था। मुझे वो कॉल करके बोलते हैं कि भाई तेरे लड़के का नाम क्या है। अब मैं वैसे सोचती हमारे में तो लड़के को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं ना, बेटे को बोलते हैं लड़का। मैं कहा इनके में क्या पता, दोस्त उसको भी लड़का बोलते हो, कितना लड़के का नाम क्या है भाई। मैंने बोला बात क्या है, बात बताओ, तुम बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा लड़का, क्या लड़का। उसने फ़ोन काट दिया भाई, और भाई पीछे से आवाज़ आ रही चिल्लाने की मारने की, धैर धैर धैर, और वो जैसे पुलिस वाले बात करते हैं ना जिस टोन में, अग्रेसिव टोन में, उसी टोन में बात कर रहा भाई। पुलिस वाले हर जगह के एक जैसे होते हैं क्या, मतलब वो भाई उसी टोन में बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हरियाणा का कोई पुलिस वाला हो। मतलब टोन उसका हरियाणा वाला नहीं था, लेकिन नॉर्मल हिंदी बोल रहा था, ढंग की हिंदी बोल रहा था। तो मैंने फ़ोन काटा, मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा ये कौन हो, फिर क्या था कि गलती से फ़ोन लग गया। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने वो पाकिस्तान वाला भाई था जो उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया तुम्हारे पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं क्या, सब सही सलामत है, नहीं है, उठा तो लिया तुम्हें, कह रहा नहीं नहीं यार कोई ऐसी चप्पल बंदा होगा फालतू में मजाक वजाक कर रहा होगा या फ्रॉड होगा। मैं ये लगता मुझे भी ऐसी रहा था। फिर मैंने उसी नंबर पर व्हाट्सअप दोबारा से किया, मैंने कहा भाई साहब आपकी माँ की नाम की दोबारा कॉल मत करना इस नंबर पर, ठीक है, वरना सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी दोबारा। अंकल ये कौन सी जगह है? ये धुरी खेल है। धुरी खेल, धुरी खेल, आप जाना कहाँ है? मेरे को तो उधर ईस्ट की तरफ जाना है। हाँ? ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट ईस्ट पूरब की तरफ, पूरब, पूरब की तरफ, पूरब कहाँ है? मेरे को तो इलम की तरफ जाना है। इलम की तरफ, तो आप ऐसे कीजिए ये रास्ता से जाइए ऊपर को ना। हाँ, ये रास्ता से जाइए, मेन रोड निकल जाएगा। हाँ अंकल, एक बार इस पर क्लिक करोगे, इस पर इसको दबाना, रीसेट, नहीं नहीं इस पर हाँ, थैंक यू भाई साहब। ये जगह है धुरी खेल, धुरी खेल है या धुरी खेत है, अच्छी जगह यार, लेकिन अच्छे रोड नहीं है शायद। अब ना हम लोग ना ईस्ट की तरफ को जा रहे हैं। ईस्ट जो सबसे लास्ट में जो जगह पड़ती है ना नेपाल के ईस्ट में, वो पड़ती है इलम, और इनका जो इलम है ना वो अपने दार्जिलिंग जैसा है, मतलब टी गार्डन के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत जगह है। भाई जी हम लोग ना पहाड़ों में आ गए हैं, और पहाड़ों में भाई साहब आपको बताइए नेचुरल वाटर रिसोर्सेज कितने मिल जाते हैं। तो एक पानी की बोतल भर लेते हैं। भाई साहब देख रहे हो कहाँ जंगल है, उसे ऊपर से पेड़ों की जड़ों के नीचे से पानी आ रहा है, टेस्टी होगा। ओ भाई खतरनाक, भाई साहब नीचे का व्यू भाई क्या खतरनाक है यार, यहाँ पे गाड़ी रोकने की जगह नहीं है, वरना आपको दिखाता मैं यार, थोड़ा सा रुक के दिखाता हूँ, चलो रुको। ओ ये देखो भाई साहब क्या खूबसूरत वैली लग रही है यार, वाह मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे भाई साहब कोई दुकान आई है, तो यहाँ से अगर कॉफ़ी के पाउच मिल जाते हैं तो ले लेते हैं। दीदी नमस्कार, आपके पास कॉफ़ी के पाउच होंगे? कॉफ़ी पाउच, पाउच नहीं है। हेलो, आपके पास कॉफ़ी के पाउच होंगे? पाउच आते हैं छोटे छोटे, वो नहीं। क्या है आपके पास? हमारे पास तो बड़ा वाला पैकेट है। दिखाना कितना बड़ा है, ठीक है दे दो। तो भाई जी एक ना नए शहर में हम लोग पहुँचे हैं, इस शहर का नाम है भकुंडे बेसी, भकुंडे बेसी। और जब भी मैं आ रहा था ना ऊपर पहाड़ से, भाई साहब क्या ही खूबसूरत लग रही थी ये जगह ऊपर से देखने में। मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी सी जगह मिले जहाँ से मैं आपको दिखाऊँ बाइक साइड में रोक के,
लेकिन इतने में मैं नीचे पहुंच गया। क्या बना रखा है यार, अजीब सा झोपड़ी सी, ये रहने के लिए तो नहीं होगा ऐसा लग रहा है। ये वो है क्या जैसा ग्रीन हाउस हमारे में होता है ना, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जिसको बोलते हैं। जी हम लोग ना भकुंडे बेसी में है, भकुंडे बेसी जो मैंने आपको ऊपर से जगह दिखाई थी ना, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे मैं नीचे आया था तो मेरी नज़र पड़ती है भाई साहब एक बंदे पे, जो भाई साहब सामान बाइसाइकिल में लोड करके ना भाई खींच खींच चल रहा है। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है भाई उस पर लगे हुए तिरंगे पे, तो भाई सीना चौड़ा हो जाता है। मतलब जब दूसरी धरती पे अपना तिरंगा दिखता है और उसके साथ साथ अपने भाई दिखे यार ट्रैवलर भाई, तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा गाड़ी रोकते हैं भाई से बात करते हैं, तो हमने भाई से बात करी तो पता लगा भाई का नाम शिवा है, हर हर महादेव। और भाई ना साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं पूरा नेपाल। और इससे पहले आपने नॉर्थ ईस्ट खत्म कर लिया? यस। क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट खत्म करने में आपको कितने दिन लगे? ऑलमोस्ट 70 डेज भाई। 77 फरवरी 12 तो स्टार्ट माय होम टूर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी रियली अमेजिंग। शिवा मास्टर बिल्स। तो भाई को सब्सक्राइब करना और जाके भाई को प्यार देना हमारी तरफ से, ठीक है? तो भाई ने भाई ने ना बहुत जिद करी भाई की कोको कोला पियो। मैंने कहा कि एक काम करते, मैंने कहा मैं पे करूंगा, कह रहे नहीं भाई साहब मुझे पे ही नहीं करने दिया भाई। भाई ने एक कोक लिया, भाई ने एक फंटा लिया है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। अब लैंडस्केप देखो भाई, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अभी तक तो हरियाली वाले पहाड़ थे, अब पहाड़ वैसे वाले आ गए, बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़, सूखे पहाड़ जिन पे बर्फ़ पड़ने की वजह से जो ऐसे हो जाते ना, गोल्डन गोल्डन पहाड़, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ पड़ गए। और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भाई साहब बिल्कुल ही बंजर बंजर ज़मीन है, वैसे पहाड़ भी बंजर ही है ये। और भाई टाइम हो गया 1:44। अरे बाप रे भाई साहब, अब रुकना पड़ेगा यार कुछ खाने के लिए यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया यार, 1:44 हो गए, मैं तो ब्रेकफास्ट बनाने की सोच रहा था, अब तो लंच बनाना पड़ेगा। भाई ये सामने ना खूबसूरत सा पुल आया है, थोड़ा सा घूम के आते हैं इस पुल पे। वाह, नीचे लोग नहा भी रहे नदी में यार, मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, कहीं से रास्ता मिलेगा तो जाएंगे नहाने के लिए। भाई साहब सामने ब्रिज देखो यार, क्या खूबसूरत लग रहा है, बाइक जाएगी क्या उस पर? ओ वाओ, ये तो छोटा सा पुल है, इसको देख के लग तो नहीं रहा कि बाइक जाएगी। हेलो, बाइक जाती है इस पर? बाइक जाती है इस पे? बाइक हजुर, बाइक जानछो? जानछो जानछो। कहाँ से हैं? दिल्ली। ओह नाइस, चलो ठीक है, आपको नेपाल में वेलकम है। थैंक यू। हाँ बहुत सारे लोग हैं यार, इतने सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, सारे सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम घुमक्कर इंडियन। घुमक्कर इंडियन, नाइस टू मीट यू। यार इतने सारे लोग हैं, कुछ नेपाल का कल्चर दिखा दो मेरे को यार, मतलब जो मेरी ऑडियंस देख रही है कोई। हाँ वो लड़की कहाँ मिलेगी? बादल बिरसा बिजली वाली, काठमांडू टीसीस ने ले लिया। ओहो बढ़िया, नहीं मैं तो उधर को जा रहा हूँ, मैं इलम की तरफ जा रहा हूँ। इलम साइड से अपना चैनल का नाम भी बोल दीजिए। हाँ जी, चैनल का नाम सॉर्ट आउट कर दीजिए। चैनल का नाम ये रहा, भुलक्कड़ इंडियन। यस ओके, हम लोग भुलक्कड़ पढ़ रहे हैं। चलेगा भुलक्कड़ भी चलेगा। नाइस टू मीट यू टू। मिलते हैं, हम लोग भी आते हैं दिल्ली कभी। नाइस टू मीट यू टू। सो यू आर लाइकिंग नेपाल राइट? So give huge shout out to Nepal. Yeah, sure. Jai Jai Nepal. Jai Gorkha. Jai Gorkha and Jai Hind. Jai Bharat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bike jayegi bike? Nahi nahi, wahan par nahi jayegi bike. Nahi jayegi.
डेंजरस वाला है, आप मत जाइए यहाँ पर। मेरे को एडवेंचर करने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मत जाइए। चलिए अभी निकलते हैं। ओके बाय बाय। भाई ये दीदी लोग तो बोल रहे हैं कि बाइक चली जाएगी, लेकिन ये लोकल्स बोल रहे हैं कि ना बाइक थोड़ा डेंजर हो जाएगा, तो पहले पैदल जाके देखते हैं ना। क्या बात, अरे वाह भाई साहब, बाइक नहीं जाएगी इसमें, बाइक की स्थिति हो जाएगी मेरी। बाइक चली तो जाएगी वैसे, लेकिन भाई अगर गिर गई ना, पुल पलट सकता भाई, ये बहुत हल्का पुल है, खतरनाक भी है भाई साहब। मजा आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? सादिशा। शादिशा, शादिशा, शादिशा। हेलो कर दे, हेलो कर दो, हेलो। ये बच्चे शादिशा, तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं? मगर हो बंदे में। कितनी उंगली हैं? एक मैं ले जाऊं? बाय बाय बाय। तुम्हारा क्या नाम है? सुगम। हेलो सुगम, सीधे हाथ से करते हैं, सीधे हाथ से। अच्छा लगा तुमसे मिलके। डू यू हैव टू सब एंट्री? भाई ये सारे गाड़ी वाड़ी वाले ना एंट्री कर रहे थे यहाँ पे। ओए मेरी वाली FZ, मेरे पे भी सेम मॉडल है भाई। ये जगह ना कुछ कुछ वैसी लग रही है, मतलब ये वाला पोर्शन देख के, जैसे वो है ना यार, क्या नाम है उस गांव का जो भारत का लास्ट गांव है, भारत पाकिस्तान का पहला गांव है, जो भारत का पहला गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। थांग, थांग से पहले गांव पड़ता, सेम उस गांव जैसा लग रहा है। भाई साहब ये नीचे देखो, ये शायद गन्ने के खेत है, और वो खेत में नीचे जो इन्होंने वो झोपड़ी बना रखी है, क्या सही लग रही है, वाह खूबसूरत। और ऊपर वो देखो गांव, भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, दूर से गांव अच्छे लगते हैं यार, पास जाओ ना तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, खूबसूरत। चलो आगे निकलते हैं। अच्छा यार यहाँ का एटमोसफेयर और यहाँ की सराउंडिंग अच्छी है। देखो इस नदी में कितने लोग नहा रहे हैं यार, इनको देख के ना मेरा मन भी कर रहा है नीचे जाके नहाने का। जाके ना पता करते हैं रास्ता का है, नीचे जाके नदी में नहाएंगे और तो कुछ खाना भी बनाएंगे। नीचे ना मेरे को रास्ता मिला भाई जाने का नदी की तरफ को, तो नीचे नदी की तरफ को चल रहे हैं भाई। सामने तो बिल्कुल बीच बना हुआ है, इधर भी बीच बना हुआ है, इस तरफ भी। अरे वाह, बिल्कुल ना नदी के पास ही पहुंच गया हूं मैं, और यहाँ पे अपन लोग कुकिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नहा भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग नहा तो रहे हैं, अब वो मेरे को देख के शायद बाहर निकल गए। नहाने के लिए चलते हैं यार, मस्त लोकेशन है यार, मेरे को तो मजा आ गया जगह देख के। मजा आ गया नहा के यार, ठंडा पानी यार, बड़ा ठंडा ठंडा पानी है भाई साहब, क्या खूबसूरत जगह थी यार, मजा आ गया। अब बैटरी, अब गाड़ी कैसे निकालूं, यहीं झाड़ी में से निकालनी पड़ेगी क्या? ओह माय गॉड, कैसे रास्ते हैं ये, निकल ही गई। चलो भाई साहब एक मार्केट में आके रुके, यहाँ से ना थोड़ा सा सामान ले लेते अपने लिए कुकिंग के लिए। तो भाई हमने ना थोड़ा सा प्याज ले लिया, बहुत देर से ना मैं प्याज ढूंढ रहा था, प्याज नहीं मिल रहा था, और तो अंडे ले लिया। ठीक, जैसे जैसे मैं ईस्ट में जा रहा हूँ ना, मतलब रोडें एक तो बहुत प्यारी, उसके ऊपर से लैंडस्केप इतने अच्छे, और उसके ऊपर से भाई साहब हरियाली। और भाई यहाँ से अपना 2 किलोमीटर आके एक जगह आने वाली है जिसको मुलकोट बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस हिल स्टेशन है भाई नेपाल का। भाई जी हम लोग मुलकोट में पहुंच चुके हैं।
नीचे आप देख रहे हो ना, यही है मुलकोट भाई। इतने में ही खत्म हो गया। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा रिजॉर्ट बना हुआ है, क्वालिटी रिजॉर्ट। काफी सारे लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, और पीछे एक नदी बह रही है, बहुत बड़ी सी नदी बह रही है, बहुत प्यारी नदी है बहुत। अब अपन लोग जा रहे हैं खुरकोट। ओ भाई साहब, ये क्या जगह है भाई? सेती देवी मंदिर। और भाई देखो, इस मंदिर में सब शीशे शीशे लगा रखे हैं भाई। चलो मंदिर दिखाता हूँ, और यहाँ से व्यू भी दिखाता हूँ। व्यू भी बहुत अच्छा है इधर से। जब जब पृथ्वी को नाश भएर जान्छ, धर्म को गलानी भएर जान्छ, अनि त्यसपछि पाप लगाइदिने, पापी पापी को जमात भएपछि भगवान को नाश हुन्छ भने। खतरनाक जगह पे मंदिर है भाई, और यहाँ से व्यू व्यू भाई और भी खतरनाक है। ये देखो, ओए होए भाई साहब, पूरे पहाड़ पे ना लोगों ने इस तरीके से शीशे वगैरह लगाए हुए हैं। देखो इसमें तुम अपने भाई का गेटअप भी देख सकते हो, कैसा लग रहा है भाई। आंटी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मेरे को ये बताओगे, ये किस किनका मंदिर है, कौन सी माता का? सेती माता। अच्छा आपको नहीं पता? मुझे लगा आप लोकल हो गए, आगे आपको पता होगा। बकरी भी छत पे चढ़ा रखी है लोगों ने भाई साहब। उसके ऊपर थोड़ा सा ये लोग ने गाड़ी बना दी, कुछ हो गया तो माता को गुस्सा आ गया। बोला तुम लोग ये जगह में अगर अच्छा नहीं करेगा मैं रोज आदमी। अच्छा, ये बनाने चले तो बाद में वो लोग माता ने खो गिफ्ट करके, अब ये माता से क्या बोला, ठीक है सबके लिए माफ करो बोले, और सबका नाम भी शीशा रखता है। तो भाई ये आंटी बता रही थी ना कि इस जगह पे ना, ये जगह भी कुछ ऐसी है भाई साहब, बड़ी खतरनाक सी जगह है। यहाँ पे पहले ना काफी ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते थे, और जब ना यहाँ पे ये रोड बनी थी तो उस टाइम पे ना ये टेंपल पहले भी हुआ करता होगा, तो वो टेंपल टूट गया था, तो माता नाराज हो गई थी। तो दोबारा से ये टेंपल बनाया गया, और जितने भी लोग यहाँ से निकलते अपने गाड़ी वाड़ी लेके, मेनली जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो भाई साहब यहाँ पे ना मत्था टेक के चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, ताकि। अच्छा आंटी नमस्कार। ये आंटी अच्छी थी यार। ये जैसी मेरे पास आई ना, इन्होंने मेरे को पूछा कि कैसे हैं आप, दिल्ली से आए हो? मेरे को हाँ। अबे शीशे देखो यार, कहाँ तक शीशे लगे हुए हैं। तो इन्होंने मेरे को पूछा इंडिया से आए हो? मैंने कहा हाँ। कहती हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। मैं कहा आंटी कैसी बात कर रहे हो, आपने पूछ लिया उतना ही बहुत है। बहुत देर से सोचा था कहीं पे बैठ के ना कुक करते हैं, सारा सामान भी ले लिया था, लेकिन ना तीन ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं अगर कुकिंग करते बैठता तो मतलब एक घंटा तो कम से कम कहीं नहीं गया, ठीक है। और मेरे को अभी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर भी और आगे जाना है, और उसके बाद कहीं पे कैंप भी करना है, तो टाइम की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैंने बोला कि किसी रेस्टोरेंट बैठ के खा लेते हैं। भाई हमारा खाना आ गया है, और खाने में क्या भाई साहब, रोटी दाल सब्जी और ये हरी सब्जी चटनी, थोड़ा पालक, क्या बताओ पापड़ भाई साहब, दाल। अभी खाना पीना हो गया, थोड़ी सी शांति पड़ गई भाई, पेट को भूख लग रही थी भाई बहुत जोर से। टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, और भाई साहब मैं ना बहुत देर से कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं चाय पी लूँ, लेकिन भाई पिछले 50 किलोमीटर से ना कोई ऐसी जगह नहीं आई। लोग खुरकोट में आ गए। मुकोट जो जगह थी वो तो मतलब कुछ ऐसी खास नहीं थी, बहुत कम घर थे उसमें, लेकिन ये मुकोट खुरकोट, ये खुरकोट थोड़ी बड़ी जगह है। चमना मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, और अभी जिस जगह पे हूँ मैं, इसको बोलते हैं भीमस्वर, दिख रहा है आपको, भीमेश्वर इसको बोलते हैं, और मेरे को जाना है वैसे सिक्किम की तरफ को, हलेशी महादेव। हलेशी महादेव इधर है। अभी फाइनली रास्ता समझ में आ गया अपने को कहाँ जाना है। वैसे मेरे को जाना पहले हलेशी महादेव, उसके बाद मेरे को जाना है इलम, ठीक है। इलम तो वैसे यहाँ से 400 किलोमीटर, हलेशी महादेव यहाँ से 104 किलोमीटर है, ठीक है। तो हलेशी महादेव के लिए मेरे को इस वाले रोड से जाना है तो बेस्ट रहेगा, और इसी वाले रोड पे हलेशी महादेव। अगर मेरे को इलम जाना है तो इलम जाने का ये वाला रोड बेस्ट रहेगा, फास्ट। खूबसूरत जगह है, गांव देखो यार क्या खूबसूरत लग रहा है यार।
अमेजिंग भाई साहब, अभी लगभग 50 किलोमीटर रह गया हलीसी महादेव और हम कुछ ऐसी रोड पे आ गए हैं। गड्ढा तो नहीं होगा इधर, चल घुसाई देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं। और भाई 5:30 बज गए हैं और मैं आधा घंटा और चल सकता हूँ, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। भाई साहब व्यू देखो भाई सामने, क्या ही खतरनाक व्यू आया था यार। मैंने थोड़ा कैमरा ऑन करने में ना लेट कर दिया, व्यू निकल गया, आधे से ज़्यादा व्यू निकल गया। भाई साहब ये है दूध कोसी पुल और जिस नदी को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, नीचे वाली जो नदी है ये सुन कोसी नदी है। सुन कोसी नदी, चाय बन जाएगी चाय? बहुत देर से ना मैं कोई चाय की दुकान ढूंढ रहा था कि मेरे को ना बाइक चला चला नींद आने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो अभी ये जयराम घाटा करके कोई जगह है, जयराम घाट करके जगह है, तो यहाँ रुका भाई चाय पीने के लिए। अब यहाँ से जो हलीसी महादेव है ना वो 35 किलोमीटर है। चाय बड़ी मस्त बना रखी थी उन्होंने, पता नहीं क्या क्या मसाला डाला था चाय में, और 20 रुपए की चाय थी और चाय पी के ना भाई साहब तरोताजा हो गया माइंड। लेकिन मैं बस अब रुकने वाला हूँ कहीं पे लोकेशन देख के कैंप करेंगे। वहाँ पर कर सकते हैं वो उधर नीचे, हाँ। बाइक चली जाएगी उधर जाएगा किधर? ओ, वो घर है ना, हाँ। वो से टर्निंग काट के, अच्छा यहाँ पर रोड है ना, हाँ। इधर जाओ ठीक, उधर कैंप कर सकता है ठीक। कितना दिन हो गया यहाँ पर? मेरे को हो गया 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिन चाय अभी पी, दो गिलास चाय पी, इधर बहुत अच्छा है अभी। दो बना लिया ना ये? नहीं नहीं ये डोमिनार है। डोमिनार, ओ डोमिनार। आपका नाम? विकास। आपका नाम? नवीन। नवीन तमांग। यस। मैंने कोई जगह ढूंढा था जहाँ पे अपन लोग कैंप वगैरह कर सके, तो यहाँ पे हमें कुछ पुलिस वाले भाई साहब मिले नेपाल पुलिस से। यस। एक हमारे नवीन भाई जी हैं। नमस्ते। नवीन भाई जी कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा है, हमारा काकी भी है। काकी हेलो नमस्ते। एक हमारे सर है, सर आपका नाम? नमस्कार। मिस्टर खतियोड़ा। क्या बात है। तो भाई साहब मैं आगे जा रहा था तो सर ने मतलब नवीन भाई ने बोला मेरे को कि भाई आप चाय पी के जाओ, बहुत अच्छी चाय बनाती हो। वैसे ऑलरेडी मैं भी दो चाय पी चुका हूँ, लेकिन अब बोला मेरे को पहली बार नेपाल पुलिस में किसी ने मेरे को चाय ऑफर करी, तो मैंने कहा चलो भाई हमारा सौभाग्य हम चाय पी के चलते हैं। सो भाई जी जहाँ पे हम पुलिस वाले के साथ में चाय पी रहे थे ना, तो वहाँ पे एक पुल था ना, तो पुल के नीचे ही जस्ट ना मेरे को एक बहुत अच्छी सी लोकेशन मिल गई भाई कैंपिंग करने के लिए। तो आज की रात ना इधर कैंपिंग करेंगे और कुकिंग भी खुद ही करने वाले हैं। कुकिंग क्या, पोहा बनाएंगे यार बढ़िया से। और बहुत सुबह जब खुलेगी ना नींद और जब सुबह होगी तो उस टाइम भाई साहब कुछ अलग ही नज़ारा होगा, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी तो भाई जी अपना टेंट तो लग गया, पीछे आपको दिख रहा होगा और ये व्यू है ना भाई साहब बहुत ज़्यादा शानदार है, आपको मॉर्निंग में पता लगेगा। बाकी अभी ना मैं जो खाना बनाना है और मेरा जो पावर बैंक है ना, एक तो बिल्कुल ही डेड हो गया, दूसरा फुल चार्ज है। तो यहाँ पे ना कुछ ऊपर घर है उनको मैं एक पावर बैंक दे आता हूँ चार्जिंग के लिए और अपनी GoPro की बैटरी दे आता हूँ। अगर कर देंगे चार्ज पे लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर फ़ोन कम यूज़ करना पड़ेगा। वरना आया था ऊपर रोड के पास ना, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक ढाबा टाइप का था, दीदी कहाँ गई? इनका ढाबा है, तो मैंने इनके पास अपना पावर बैंक वगैरह ना यहाँ पे चार्ज पे लगा दिया। पावर बैंक मेरा यहाँ चार्ज हो रहा है और मेरी बैटरी भी यहीं चार्ज हो रही है। एक दीदी अंदर गई है, उनका रेस्टोरेंट है और यहाँ से मेरा टेंट भी दिख रहा है भाई नीचे। ये नीचे नदी कौन सी है? दूध कोसी। हाँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पानी भी मिल गया। और दूसरी चीज़, अब भाई मैंने कहा इतना ही इन्होंने दे दिया तो और तो मैंने कहा वाईफाई भी दे दो मेरे को, इनका वाईफाई भी लगाते हैं यहाँ पे, तो इनका वाईफाई भी ले लिया। हाँ दोस्त भी मिल गए। हाँ क्या नाम है आपका? बॉबी राज राय। हाँ बॉबी राज राय। बॉबी राज से? मैं दिल्ली से। हाँ मैं विकास नेगी। ठीक है अब तुम्हारे मैं दोस्त। ठीक है चलो भाई अब नीचे को चलते हैं, बहुत अच्छे हैं नेपाल वाले यार, वाईफाई भी मिल गया। तो भाई पानी वगैरह लेके मैं अपने टेंट पे आ चुका हूँ और ऐसा कुछ मेरा टेंट है और पीछे मेरे टेंट के भाई कोसी नदी है, सुबह दिखाऊंगा अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो भाई बहुत टाइम हो गया, मैंने अपनी एक वीडियो एडिट कर ली है और दूसरी वीडियो एडिट पे लगा दी है और अब ना कुछ कुक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा सामान है भाई सारा कुकिंग का, पानी दिखना नहीं चाहिए पोहे में। प्याज कट चुका है, टमाटर मेरे पे है नहीं, हरी मिर्च जो थी वो मेरी खराब हो गई है तो हरी मिर्च भी नहीं काट रहा हूँ मैं।
बस प्याजी प्यासे काम चलेगा, बाकी हमारे पास मसाले पूरे हैं। ना मेन गेट जो ये वाला है ये नहीं खोल रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से साइड में से ना खिड़कियां हैं, तो इस खिड़कियों से मैं खाना बनाऊंगा यहाँ पे से, ठीक है। ये हैं अपने मसाले, खुल जा सिमसिम। क्या एक नमक, भाई साहब आखिर करना, मेरे को बाहर ही आना पड़ गया क्योंकि मेरे पजामे में ना मिर्च गिर गई थी इधर, तो इसको झाड़ने के लिए बाहर आना पड़ गया। पोहा बन गया अपना। ये भाई हमारी कॉफी, कॉफी पाउडर, ये यहीं का नेपाल का ही लोकल है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही भाई इसमें। भाई क्या चमक रही है भाई इसकी, उसकी तरह हीरे की तरह। सो भाई जी अपना खाना बन के हो चुका है भाई तैयार। ये है भाई अपना पोहा और ये अपनी भाई पैक कॉफी, ठीक है। पोहा तो भाई बड़ा टेस्टी लग रहा है, बस इसमें हरी मिर्च और होती ना भाई मजा आ जाता है। रात के ना 1:30 बज चुके हैं और मेरे को ना भाई जाना है, लेकिन है क्या सीन कि ना यहाँ पे ना बाहर ना भाई सब 5-6 कुत्ते हैं जो कॉन्टिन्यूस भोंक रहे हैं। मैं ना थोड़ा सा भी बाहर निकल रहा हूँ टेंट से तो वो आवाज़ करने लग जा रहे हैं, अगर मैं अभी टेंट से बाहर निकलूंगा ना वो भौंकने लग जाएंगे। भाई साहब यहाँ से निकल गया हूँ टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से निकलता ना वो बिल्कुल सामने उस तरफ को बैठे हुए हैं और वहाँ से वो देख रहे हैं टेंट को मेरे। तो का डर नहीं है, मेरे को डर ये है कि इस मेरा ना सामान वामान बाहर रखा हुआ है और सारा सामान मैं अंदर रख लूंगा ना मेरे को फिर नींद नहीं आती, कंजेस्टेड हो जाता बहुत ज़्यादा। तो उसी चक्कर में मैं इधर से गया कि वो कुत्ते इधर ना आए, बस मेरे को वो टेंशन है। आज थोड़ा सा डेंजरस थी जो लोकेशन जहाँ पे मैंने कैंप किया, लेकिन फिर भी सेफ थी। डेंजरस भाई कुत्तों की वजह से है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है, मेरे को वो टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे को देखो इंसान से डर नहीं लगता, मेरे को भूत भूत का कोई डर नहीं लगता, ठीक है। मेरे को डर लगता है नेचर का और दूसरा जानवर का भाई। चलो कल मिलते हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का ब्लॉग भाई कल वाला ब्लॉग जरूर देखना क्योंकि आपको पता लगेगा उस ब्लॉग में भाई मैं कैसी लोकेशन में रुका हूँ। भाई साहब अमेजिंग लोकेशन है और मेरे सर के ऊपर ना भाई साहब 2 पुल है, एक सस्पेंशन ब्रिज है एक मोटरेबल वाला ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज वो होता है जो झूलता रहता है, नेपाल में बहुत है। कल दिखेगा मॉर्निंग में, उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग को देखना, ठीक है। बाय बाय।